आप चावल ले ना। नहीं मामा, पापा को वैसे ही कंजेशन हो रही है, मुझे नहीं लगता उन्हें चावल खाने चाहिए। बसो देखो रूमी मेरा कितना ख्याल रखती है। एक तुम अपने चावल खाने को कह रही हो। मेरा ख्याल रखने वाला तो इस दुनिया से चला गया। अब कौन मेरा ख्याल रखेगा? अब हम लोगों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। और फिर जब आहिल बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल ताबिश की तरह आपका ख्याल रखेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहला मेरे पोते की उम्र तराश करे। वैसे वो है कहाँ इस वक्त? वो रानी के साथ खेल रहा है। चले खाइए अब खाना खाइए। सारिम, मुझे एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो प्रूव हो गया है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा। अपनी पीए से बोल के मेरी टिकट बुक करा दो। सारिम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हो गया यार माम, तुम्हें खुद ने टिकट बुक कराने आती? क्या हुआ है सारिम, तुम इतने बेजार क्यों खड़े हुए हो? I'm sorry. कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताओ कब की करानी है? कल की। लेकिन मुझे बताओ तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, क्या हुआ? मम्मी को फिर शादी की धुन सवार हो गई है। तभी मैं सोचूं कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। आंटी एक दो दिन बोलती हैं फिर खामोश हो जाती हैं। नहीं माम, इस बार वो बहुत सीरियस है। तो कर लो फिर, मैं तो तैयार हूं। माम हाँ तो फिर ढूंढ लो अपनी ख्वाबों की शहजादी को, जो तुम्हें एक झलक दिखाकर गायब हो गई है। तो मुझे कॉल अटेंड करनी है, तुम परेशान नहीं हो ना, बिल्कुल सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कल सुबह मुझे बता रही थी आंटी ने कुछ नहीं खाया, प्लीज उनको जाके देख लो। जी अस्सलाम वालेकुम।